हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी इन्फो गुरु। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2022 को लेकर, जिसमें कि दोस्तों आपके कुल 10,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। इन पदों के लिए दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी योग्यता क्या रहनी चाहिए, सिलेबस क्या रहता है इस भर्ती के लिए, और इसके ऑनलाइन आवेदन आपके कब से शुरू होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा यानी कि दोस्तों आपकी जो भर्ती होगी वो किस तरह से होगी, और किस तरह से आप दोस्तों इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों आइए चलते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, 6 माह में पैरामेडिकल के 10,000 पद भरे जाएंगे, यानी कि फ्रेंड्स आपके 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर अंदर दोस्तों आपके 10,000 पदों पर भर्ती कंप्लीट कर ली जाएगी। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा, ये भर्ती कब से शुरू होगी उसके बारे में, तो आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों में इसका दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा इस भर्ती का, और इसके आवेदन ऑनलाइन आवेदन शुरू होने होंगे, क्योंकि 6 माह के अंदर दोस्तों ये भर्ती कंप्लीट कर ली जाएगी और आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा भर्ती का, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों आइए आगे बात करते हैं कि प्रदेश सरकार के अगले 6 माह में राज्य में 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करेगा, यह निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। मंगलवार को मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के समक्ष स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विभागों का प्रस्तुतिकरण हुआ। इसके मुताबिक प्रदेश सरकार आगामी 100 दिनों में प्रदेश के 28 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों और पेंशनर को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएगी। तो फ्रेंड्स, जो आपकी भर्ती होगी 6 माह में होगी। अगर बात करते हैं दोस्तों कि आपकी जो 6,000 भर्ती हो, 10,000 भर्ती होने वाली फ्रेंड्स, ये इसकी योग्यता क्या रहेगी, तो दोस्तों ये जो भर्ती होगी इसकी योग्यता बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा और एएनएम, जीएनएम, यानी कि दोस्तों इन 10,000 भर्ती में आपके लिए सभी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भर्ती होने वाली फ्रेंड्स अलग अलग पोस्टों पर ये भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों अलग अलग पोस्टों पर जब भर्ती होगी तो उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी होगी, जैसे कि अगर फार्मासिस्ट की भर्ती होगी तो आपके लिए डी फार्मा और बी फार्मा वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और दोस्तों अगर नर्सिंग की होगी तो बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर की भी भर्ती होगी तो दोस्तों इसकी अलग अलग योग्यताएँ होंगी। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसकी जो भर्ती के लिए आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो होगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है उसके बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी अप्लाई करने के लिए काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी परेशान रहते हैं कि हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि इसकी जो भर्ती होगी वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी, यानी कि आपकी आउटसोर्सिंग माध्यम क्या होता है, संविदा के आधार पर ये भर्ती की जाएगी। आपका एक विज्ञापन निकाला जाएगा जिसमें कि फ्रेंड्स आपको अप्लाई करना होगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जैसे ही दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और फिर दोस्तों जो है आपको और क्या काम करना पड़ेगा, मेन काम करना पड़ेगा आपके लिए कि आपको सेवा योजन पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जब आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भी भर्तियां की जाती हैं उनका दोस्तों सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है उसके बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए दोस्तों जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें बताया जाएगा कि आपका जो सिलेक्शन होगा या तो रिटन एग्जाम के आधार पर होगा या फिर इंटरव्यू के आधार पर होगा, ये तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें ही मेंशन होगा। दोस्तों अभी क्लियर नहीं है कि आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा या फिर इंटरव्यू के आधार पर ये भर्ती होगी, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।